नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी हिंदी स्टोरी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं शादी में तोरण क्यों मारते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बताते हैं आपको तोरण क्यों मारते हैं। हिंदू समाज में तोरण क्यों मारते हैं। हिंदू समाज में शादी में तोरण मारने की एक आवश्यक रस्म है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अधिकतर लोग नहीं जानते कि यह रस्म कैसे शुरू हुई। इसके पीछे एक गहरा राज है जो बहुत कम लोगों को ही पता है। प्राचीन दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि तोरण नाम का एक राक्षस था। जो शादी के समय दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता था। जब दूल्हा द्वार पर आता तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी करता था। एक बार एक साहसी और चतुर राजकुमार की शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था, अचानक उसकी नज़र उस राक्षसी तोते पर पड़ी और उसने तुरंत तलवार से उसे मार गिराया और शादी संपन्न की। बताया जाता है कि उसी दिन से ही तोरण मारने की परंपरा शुरू हुई। आपने कभी गौर किया हो तो आपको पता लगेगा कि इस रस्म में दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है, जिस पर एक तोता राक्षस नाम का प्रतीक होता है। बगल में दोनों तरफ छोटे तोते होते हैं। दूल्हा शादी के समय तलवार से उस लकड़ी के बने राक्षस रूपी तोते को मारने की रस्म पूर्ण करता है। इस प्रकार तोरण मारने की रस्म शुरू हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।